देखिए फ्रेंड्स, हम जब खाना खा रहे हैं, हेलो बोलो हेलो। एक्चुअली हुआ होता ये है कि 8 बज चुके हैं। हमजा और अलीदा अकेले जल्दी से खाना खा लेते हैं क्योंकि फिर उनको सोना होता है, और पापा लेट आते हैं तो हम लोग साथ में खाना खाते हैं। वो आते हैं 9 सवा 9 तक, इनको सो के सुबह स्कूल जाना होता है तो जल्दी सोते हैं लोग। तो आज हमजा खाना खा रहे हैं छोले भटूरे। यू लाइक इट? ओके, तो बस आज इनका मन था कि मैं छोले भटूरे खाने हैं, तो मैं इनको मंगा के दिए बाहर से। फिर लोग खा रहे हैं, ये हमजा खा रहे हैं छोले भटूरे, अलीजा जो खाएगी मैं दिखाती हूँ आपको। अलीजा खा रही है कढ़ाई पनीर, रोटी एंड सैलेड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम मेरे चैनल में वापस आने के लिए, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसे पता है आपको, बकरीद का बिल्कुल ऑलमोस्ट उस पर ही है, आज हज का महीना वो चल रहा है, तो बकरीद इंशाल्लाह 10 तारीख की होगी इंडिया में, तो बकरीद की तैयारियां शुरू ही हो गई, थोड़ी बहुत जो घर की होती हैं, बाकी तो और जो घर के वैसे काम होते हैं कुर्बानी के बाद ही होंगे, तो अभी के जो काम है वो तो स्टार्ट हो ही गए हैं। तो अभी मुझे मार्केट भी जाना है, इसी सिलसिले में कुछ काम है मार्केट का, एक दो चीज़ें लानी है मार्केट से। वैसे तो मेरा सब ग्रोसरी का सामान महीने का आ जाता है, लेकिन अभी जो है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, तो वो मैं अपने पास के स्टोर से लेके आऊँगी। बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों के आने से पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो बच्चे आ जाते हैं तो मैं बिज़ी हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है उनका। तो बस अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड, मैं निकल गई हूँ, ये रही थोड़ा सा काम मेरा, चलिए बस मैं जा रही हूँ काम मेरा बाहर का, उसके बाद फाइनली रोड तो बन गई है, बाकी अभी सामने देखे कितनी गंदगी हो रही है। ये देखिए, मैंने कुछ दालें लेनी थी प्लस ये दलीम के लिए गेहूँ, ये भी मैंने ले लिया। मैं ग्रॉसरी पे आ गई हूँ, और जो सामान थोड़ा बहुत लेना है मुझे वो मैं ले लेती हूँ यहाँ से। ये सब मैंने मसाले लिए हैं बकरीद की तैयारी। देखिए, मैंने हलीम मसाला लिया है, दलीम बिरयानी का लिया है। वैसे तो बिरयानी मैं खुद ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मसाले भी डाल सकते हैं, तो सब मसाले मैंने लिए यहाँ से। और अभी कुछ और देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। चॉकलेट सेक्शन में मैं सोच रही थी कुछ लूँ, बच्चे मुझे याद आया कि बच्चों के लिए ऑलरेडी इतनी सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं फ्रीज़र में, ज़्यादा मीठा भी खाना सही नहीं है, तो इसलिए मैंने ली नहीं, अदरवाइज़ मैं डेरी मिल्क वगैरह ले लेती। ये सब सामान, और ये मैं क्लीन कराने आ गई अगले सेक्शन में। देखिए, हमजा स्कूल से आ गए हैं बेचारे थके हुए, बिल्कुल बहुत बुरे हाल में। मैं बच्चा फैन नहीं चलाया था, इतनी गर्मी फिर क्यों इतने पसीने पसीने हो रहे हो? बाबा, आप मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने लेने? ओहो, चलो चलो मैं पानी वानी पिलाती हूँ, उसके बाद आप देखिए हमजा कितने थके हुए आए हैं स्कूल से। इस बात स्कूल में थकने की नहीं होती, बात ही होती है कैब से आते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं गर्मी से। क्यों क्यों तो तुमने तुमने तो नहीं मार पिटाई की? नहीं, गंदी बात। चलो मैं बात मैं ड्राइवर कैब भैया से बात करूंगी कि कैसे कैसे करना है, गंदी बातें। तो BTS तुम्हारे अंकल हैं? गलत बात नहीं बेटू, ऐसे नहीं मार पिटाई करते, गंदी बात। और हमजा और मम्मा खा रही हैं, मैं खा रही हूँ पुलाव जो मैंने बनाई थी रात, और हमजा खा रहे हैं छोले विद छाछ बटर मिल्क। हमने सही से बैठो, नहा लिए? देखिए, हमजा नहा के लंच कर रहे हैं अपना, मैं दे रही हूँ। और मैंने जो है मटन पुलाव बनाई थी, पीस मैं खाती नहीं हूँ, तो मैंने सही से पुलाव खा रही हूँ, और बटर मिल्क मेरा। देखिए फ्रेंड्स, हमजा लंच करके सो भी गए, और डाइट बंद कर देती हूँ कभी उठ जाएं। और बात यही होती है, स्कूल जाते हैं तो एक अच्छा सा रूटीन हो जाता है बच्चों का, अपना खाना वाना नहाए, आज स्कूल से आए नहाए नहा कर खाना खाया, खाना खा कर अब सो गया, अब उठेंगे 5 बजे, फिर अकाली साहब से पढ़ेंगे। तो देखिए, तो फ्रेंड देखिए, इवनिंग टाइम हो गया है, 6:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं किचन में बना रही हूँ हांडी चिकन। हांडी चिकन जो है, वैसे तो हांडी में बनना चाहिए, लेकिन मैं इसको इस कढ़ाई में बनाऊंगी एक्चुअली, क्योंकि हांडी में मुझे डर लगता है, कभी वो मिट्टी का होता है ना, तो मुझसे एक तो मेरे पास है भी नहीं, और दूसरा मुझे डर भी लगता है कि कहीं बीच में वो टूट टूट ना जाए ज़्यादा हीट हो उससे, क्योंकि उसको मैनेज करना होता है चूल्हे पे कुछ हीट को, तो इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ।
और मेरे बाल भी ग्रे हो रहे हैं सारे। तो बात ये हुई कि अब इसमें जो जो मैं डालूंगी, चिकन हांडी चिकन जो भी मैं बना रही हूँ, जैसे बना रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको। तो शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज, लहसुन ऐसे काटा है, टमाटर प्लस हरी मिर्चें काटूंगी मैं इसमें। वैसे तो ये हांडी चिकन देसी घी में बनाते हैं, लेकिन देसी घी में मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो इसको ऑलिव ऑयल में ही बनाऊंगी। तो शुरुआत करती हूँ मैं। देखिए मैंने कढ़ाई में ऑलिव ऑयल डाल दिया, प्लस मैंने चिकन भी धोकर रखा हुआ है, ये देखिए। तो मैंने डाल दिया, अब मैं थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। नॉर्मल प्याज जो सबके यहाँ जैसे फ्राई होती है कोरमे वोरमे के लिए, वैसे इसको प्याज को फ्राई करते हैं। ठीक है, मैंने हरी मिर्च ऐसे काटी हैं, कुछ रेड हैं कुछ ग्रीन हैं, तो ऐसे ही काटें तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमारी प्याज फ्राई हो रही है, फिर फ्राई हो जाती है तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसको। देखिए फ्रेंड, ये डाला है मैंने इसमें लहसुन जो मैंने काट के करा था। यहाँ पे लहसुन को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने करना है, अगर हम इसको कच्चा छोड़ देंगे ना तो पूरा खाना भी रेडी हो जाएगा, पूरी सब्जी, तब भी रेडी नहीं हो पाएगा जब तक चिकन रेडी होगा। तो इसलिए पूरा इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे लहसुन को। प्याज मैंने फ्राई करके ही निकाल ली अलग, ये देखिए प्याज मैंने अलग निकाली, बाद में डलेगी, अभी हम लहसुन कर रहे हैं। तो देखिएगा, दिखाती हूँ फिर आगे। देखिए फ्रेंड, लहसुन ऐसा हो गया, अब मैंने इसमें हरी मिर्च जो काटी थी वो डाल दी। देखिए लहसुन का कलर आप देख रहे हैं कैसा, हरी मिर्च भी इसमें मैंने डाल दी, कितनी अच्छी सी लग रही है दोनों कलर। अब इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर, और अब टमाटर को हम मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, अब इसमें मसाले ऐड करना शुरू करती हूँ। ये फ्रेंड्स साबुत धनिया है, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया, और अभी इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें मिलाया है साबुत धनिया, जीरा साबुत, हल्दी, मिर्च, नमक। अब इसको थोड़ा सा टमाटर को घुलने देते हैं, थोड़ा सा टमाटर घुल जाएंगे उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ठीक फ्रेंड, ये टमाटर कैसे हो गए, हल्के हल्के घुल गए। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज जो हमने फ्राई करी थी, प्लस हमारा जो चिकन है, चिकन भी ऐड कर लेते हैं एक इसमें। अब इसको हिला के अच्छे से, पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि टमाटर ही पानी छोड़ेगा, चिकन अपना पानी छोड़ेगा। बस इसको ढक के रखते हैं, थोड़ी देर भूनते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अब इसको थोड़ी देर चला लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ी देर भून लिया, ये जो इसका मोटा मोटा मसाला है, इसको ऐसे स्पून से ऐसे कर लीजिए। इसमें जो है ग्रेवी कम रहेगी, ये देखिए अभी और हो जाएगी तो बिल्कुल ग्रेवी एकदम लिक्विड हो जाएगा इसका। अब इसमें मैं डाल देती हूँ, मैंने ये दही फेंट के रखी है, ये दही मिर्च में डाल देती हूँ। अब इसको थोड़ी देर चला लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा लिक्विड होना शुरू हो गया है, मतलब जो प्याज व्याज थी वो सब घुल गई, टमाटर भी घुलना शुरू हो गया। ऐसे चम्मच चला चला के इसको मैंने घोल दिया सबको, और थोड़ी देर में जब चिकन गलना शुरू होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा ये सब। तो बस अब इसको ढक के हल्के आँच पर और गलाने के लिए चिकन को रख देते हैं गलाने के लिए। बस आज अब फाइनली, अब इसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना, हरा धनिया ऐड करूँगी बाद में, और थोड़ी सी क्रीम या यूज़ करूँगी, क्रीम या मलाई जो भी है फेंट के। तो देखिए मेरा फाइनल, अब इसको ढक देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा बन रहा है चिकन, और ये मैंने मलका मसूर की दाल चढ़ा दी है अलीज़ा के लिए, वो भी रेडी हो जाएगी। बस राइस कुकर में चावल बना दूँगी, तो ये आज हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। रोटी मेरी जो रोटी बनाने वाली आती बना कर जा चुकी है, बस दाल में भी टाइम लगेगा बनने में, चिकन में भी। तो चलें चलते हैं, इतने में हमजा को पढ़ाती हूँ। और फ्रेंड फिश, इवनिंग में मैं खाना तो रेडी कर ही रही हूँ, साथ साथ मैंने पी रही हूँ बटर मिल्क विद चिया सीड मैंने भिगो के रखे थे, इसके साथ ही मैं पी रही हूँ बटर मिल्क। ये मेरा शाम का है, मैं शाम को कुछ ना कुछ, चाहे मैं इसमें नींबू डालती हूँ, लेकिन आज बटर मिल्क था मेरे पास तो मैंने बटर मिल्क डाल लिया इसमें। और बस अब मैं इसको पीती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये आज हमारा फाइनल लुक, और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और ये मेरा हांडी चिकन रेडी है। आप देखिए चिकन कितना अच्छे से गल गया है, बिल्कुल हड्डी ने बिल्कुल बोटी छोड़ दी है, टूट भी गई। देखिए कितना अच्छे से भुन भी गया हो गया। अब इसमें जब मैं सर्व करूँगी, इसमें हरा धनिया और क्रीम डाल दूँगी थोड़ी सी, बस रेडी हांडी चिकन। आप चाहें तो इसे हांडी में बना सकते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है। अगर चिकन में कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा हो तो ये देखिए कितना अच्छा चिकन बन गया है।
खाना बनाने के बाद आके मैं हमदा को पढ़ाने लगी क्योंकि हमदा का पेपर है। नहीं बेटू कल एग्जाम है तो हमदा पढ़ने बैठ गए फ्राइडे, तो बेटू फ्राइडे है तो फिर मस्ती मैम जब बताएंगी ना मार्क्स आएंगे तो मम्मा मस्ती करेगी। चलो ठीक है, तो फ्रेंड अब ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स ये मैंने 2 दिन का ब्लॉग बनाया, कल रात जो मैंने किया वो मैंने वो खाना वाना जो था वो शेयर किया, प्लस आज का जो मैंने पूरा दिन किया वो मैंने मतलब जो भी किया मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके ज़रूरी करी है वो मैंने आपके साथ शेयर करी, अदरवाइज़ तो रोज़ का तो मैं आपको बताया मैं रूटीन इस तरह का कुछ शेयर नहीं करती कि मैंने ये करा वो करा, जो मैंने इंपॉर्टेंट किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि और तो सब सब कुछ ही करते हैं। तो क्या कर रहे हो? तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इंशाल्लाह बकरीद पे ही ब्लॉग डालूंगी नेक्स्ट में, क्योंकि जो है बकरीद अब आने वाली है इंशाल्लाह संडे बकरीद होगी, लेंगे तो उसको शो ऑफ नहीं करते। चलिए ठीक है फ्रेंड्स अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और जल्दी मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।